वेलकम बैक टू माय चैनल द लिविंग लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ कोसमल वाटरफॉल, जिसे भीगू वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। कोसमल वाटरफॉल गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कोसमल वाटरफॉल धर्मपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, सूरत से लगभग 110 किलोमीटर और दमन से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, कोसमल वाटरफॉल के लिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। लगभग 2 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद हम वांसदा नेशनल पार्क को क्रॉस कर रहे हैं। वांसदा नेशनल पार्क को हम किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल अभी कोसमल वाटरफॉल की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसा कि मॉनसून सीजन चल रहा है अभी, तो आप देख सकते हैं कि पूरा रोड बारिश से भीगा हुआ है, जो इस सफर को और भी एक्साइटिंग बना रहा है। दोनों तरफ हरे भरे और बहुत ही घना जंगल और बीच में भीगी हुई ये सड़क, जिस पर हम अपना सफर तय कर रहे हैं। सच में ये व्यू बहुत ही कमाल का है। फ्रेंड्स, कोसमल वाटरफॉल से 6 से 7 किलोमीटर पहले ही एक शिव जी का मंदिर है, तो हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे, दर्शन करेंगे और फिर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। लगभग 4 घंटे के लंबे सफर को तय कर मैं पहुंच चुकी हूं कोसमल विलेज और हमने अपने व्हीकल को पार्क कर दिया है। आज वीकेंड है तो बहुत क्राउड है यहां, पार्किंग एरिया पूरी तरह से फुल हो चुका है। और अब हम यहां से कोसमल वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। यहां खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने यहाँ से कुछ चिप्स ले लिए हैं और साथ में भुट्टा, जिसे खाते हुए हम अपनी आगे की ट्रैकिंग को स्टार्ट करेंगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत अच्छा खासा व्यवस्था है और यहीं से आप इन नज़ारों को भी एंजॉय कर सकते हैं। कोसमल वाटरफॉल गुजरात का एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। क्राउड से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं।
वीकेंड में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। लगभग 20 मिनट मिट्टी और पत्थर के ऊबड़ खाबड़ और गीले रास्तों को तय कर अब मैं पहुंच चुकी हूं इन पथरीले रास्तों पर। ये ट्रिप तो अब काफी एडवेंचरस हो गया है। अब यही पथरीले रास्ते हमें नीचे की ओर ले जाएंगे उस कोसमल वाटरफॉल के नजदीक। ये जितना देखने में डेंजरस रास्ता है उससे भी डेंजरस है इसे पार करना, लेकिन हर पत्थर को जब आप पार करके आगे पहुंचते हैं तो खुशी का एक अलग ही एहसास होता है। तो लगभग ये पथरीले रास्ते पार करने में मुझे 25 से 30 मिनट लगा और अब मैं पहुंच चुकी हूँ कोसमल वाटरफॉल के एकदम नजदीक। अब हम यहाँ आराम से बैठकर इस प्रकृति के अनोखे नजारों का आनंद लेंगे। कोसमल वाटरफॉल आने का बेस्ट टाइम जुलाई टू मिड सितंबर है। इस वाटरफॉल के नजदीक एक फूड स्टॉल भी है जहां मैगी, भुट्टा, चाय और कुछ चिप्स अवेलेबल है।
फ्रेंड्स, पार्किंग एरिया से वाटरफॉल तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। ये पूरा ट्रैक 1.5 किलोमीटर का है। गाइस, कोसमल वाटरफॉल एक बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है। यहाँ लगभग 1.5 घंटे बिताने के बाद अब हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।